जिसके पास लिए चलते हैं, जो आज हमें मीट के फवाइद बताने वाली हैं, उसकी कंजम्पशन का तरीका कार भी बताएंगी। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गोश्त और इसके फायदे के बारे में। जैसा कि आपको बताया, पाकिस्तानी लोग मीट लवर्स हैं और हमारी जब तक डिशेस में और मेन मील में मेन कोर्स में गोश्त या इससे बनी हुई कोई चीज़ ना हो तो हमें लगता है मील इनकम्प्लीट है। जहाँ पे एनिमल मीट के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और ऑल ओवर द पाकिस्तान में इसकी अच्छी प्रोडक्शन है, वहीं पे हमें ये पता होना चाहिए कि कितना लेना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए, मतलब वे ऑफ प्रिपरेशन और किस तरह से हम जो गोश्त है उसका अच्छे तरीके से असूल लेके अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। सो यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप प्लांट बेस्ड भी लेते हैं, प्रोटीन्स आप एनिमल बेस्ड भी लेते हैं, पर जब भी आप एनिमल यानी हवानाती प्रोटीन्स की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली आपकी बॉडी में प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को ओवरकम भी करता है। जहाँ पे बच्चा पैदा होते बाकी दूध पे होता है, पर लेटर ऑन उसको प्रोटीन्स, कैल्शियम, माइक्रो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। वहीं पे कुछ हिस्सा जो है वो प्रोटीन एनिमल पोर्शन का भी लाजमी शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगली 10 ईयर्स जो होते हैं बच्चे के, पहले 10 साल जो होते हैं वो नेक्स्ट 10 ईयर्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि उसकी डाइट में क्या चीज़ें ऐड थी। बहुत से बच्चे स्पेसिफिकली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो मेल न्यूट्रिशन की बढ़ती हुई शरह है उसमें जो बहुत ज़्यादा स्टंटेड ग्रोथ का इशू आया है वो इस वजह से भी है क्योंकि बच्चों को प्रोटीन नहीं दिया जाता। अक्सर औकात कहा जाता है और डिस्क्रिमिनेशन भी है, मेल्स को दिया जाता है कहीं पर, फीमेल्स को नहीं दिया जाता, ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज़ में भी है। तो यहाँ मैं तमाम वो लोग जो कि हमें भी सुन रहे हैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि आप अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट, हाइट एंड लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी प्रोटीन पोर्शन ज़रूर रखें, यानी गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें। गोश्त के बनाने का तरीका आपका दुरुस्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है डीप फ्राइड जो हो गया, या जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत ग्रेवीज़ बनती हैं, हाईली स्पाइसी फूड होता है, और उसके अलावा हाईली स्पाइसी के अलावा ओवर कुक्ड फूड होता है या बारबेक्यूड होता है, तो दिस इज़ नॉट टोटली रिकमेंडेड फॉर हेल्थ। वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, बट आप जब इसको डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो साथ साथ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल और उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया यानी लिपिड लेवल का ज़्यादा होना, अनवांटेड फैट से तमाम चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं जो कि आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा सकती हैं, ना सिर्फ बल्कि ब्लड प्रेशर और उसके अलावा डिफरेंट आर्जे भी मुबला हो सकते हैं। तो बेसिकली गोश्त का एक मुनासिब मकदार में और प्रॉपरली इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है कि आप वंस और ट्वाइस अ वीक, अगर बड़ा गोश्त है तो आप हफ्ते में एक बार ले लीजिए, और सर्विंग 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मटन है या फिर मटन बॉन ब्रोथ है, मतलब कई लोग मटन की यखनी कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग कीमे की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, और कुछ लोग बहुत ओवर कुक भी करते हैं और देसी घी में भी बनाते हैं, सो कभी कभार तो इट्स फाइन, 15 दिन में एक बार ठीक है, पर डेली कंजप्शन जो है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि आप अक्सर अकात गोश्त खरीदते हैं और उसमें से फिर जो फैट लेयर्स हैं, मार्बल्स हैं, उसको प्रॉपर उसको क्लीन अप नहीं करते, ट्रिम नहीं करते, जिसकी वजह से वो एज इट इज़ आपके अंदर जाता है, आपकी आपकी ब्लड में और आपकी आर्टरीज़ में डिपॉजिट होता है, और एटीरियोसिक्लेरोसिस यानी कि एंजाइना ऑपरेटोरसिस आपके दिल की बीमारियां, मतलब उसमें आपको लेके जाता है, श्रिंकेज हो जाती है एंड आपका मतलब वेजल्स बंद होने का भी खर्चा होता है। सो अपना जो ब्लड है उसको डिटॉक्सिफाई रखने के लिए, क्लींस रखने के लिए ज़रूरी है कि गोश्त का नंबर वन मुतबादल इस्तेमाल जो है दालों से किया जा सके, प्रोटीन पोषण अच्छा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मुर्गन गज़ाएँ और बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया जो गोश्त में बनाई जाती हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। गोश्त को हमेशा सब्ज़ियों के साथ इस्तेमाल करें, पोर्शन साइज़ ज़रूर कंट्रोल करें, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 किलो 2 किलो और बहुत ज़्यादा मीट एक ही टाइम पर कंज्यूम करें, ज़रूरी ये है कि आप एक माइन्यूट अमाउंट में कंज्यूम करें, मैक्सिमम मिनिमम 200 to 300 grams, जो कि 4 to 5 बोटियाँ बनती हैं, या फिर एक लेग पीस, या इवन के अगर आप गोश्त की बात करें, चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है इट कंटेन्स 300 grams, तो इट्स टू फाइन, पर मैक्सिमम मिनिमम 2 to 250 gram होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ, जब भी आप हेल्दी तरीके से कुकरी आइटम में अगर मीट कुकरी को देखें तो इसमें डिफरेंट चॉप्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं जो आप मीट कुकरी में यूज़ करते हैं,
सो इसका प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपरली इस्तेमाल जो है वो बहुत हद तक लाजमी है। अगर आप इसको प्लांट ऑयल में बनाते हैं, जैसे मकई का तेल हो गया, या फिर एंड पर आप इसमें जैतून का तेल ऐड करते हैं, या फिर आप इसको सनफ्लावर ऑयल में बनाते हैं या राइस ब्रैन ऑयल में बनाते हैं, तो इट्स मोर गुड और हेल्दी भी है। और आप इसकी वजह मतलब अच्छे तरीके से आप जो खाना कंज्यूम करें उससे आप बच भी सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मोस्ट प्रोबेबली ग्रिल्ड फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है, बारबेक्यूड फूड लिए जाते हैं, स्टेक्स ली जाती हैं, तमाम चीज़ें जब ओवर बारबेक्यूड हो जाएँ, क्योंकि उस पर जो टार होता है इट कैन कंटेन द कार्सिनोजेनिक सेल्स जो कि कैंसर डेवलपिंग सेल्स होते हैं, और हमें पता नहीं होता कि कब कैंसर सेल्स को हम होस्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी मतलब इन चीज़ों से भी इत्तेदाल में रखा जाए, कम इस्तेमाल किया जाए। 15 डेज़ में आप मतलब ट्वाइस इन अ 15 डेज़ या वंस इन अ 15 डेज़ आप यूज़ करें, देन इट्स फाइन। तो ये भी आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। दूसरी बात है जो बहुत चारकोल आजकल एक फूड आ गया है, दिस इज़ अ चारकोल बर्गर्स एंड चारकोल ग्रिल फूड एंड दिस एंड दैट, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाती है उस वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करती है। सो चॉइस इज़ योर, सिलेक्शन इज़ योर्स। आइदर आपको पता है कि एक चीज़ स्टीम्ड है तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, जब आपको ये नज़र आ रहा हो कि इट्स लाइक अ चारकोलिक और इट्स लाइक अ सो मच टार और टू मच ग्रिल्ड, तो आप उस चीज़ को उतार दें, साइड पर कर दें या बिल्कुल कंज्यूम ना करें, क्योंकि ना सिर्फ उससे आपको पेट के मसाइल हो सकते हैं बल्कि आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न, एंजाइना और उसके अलावा आपकी बॉडी में मतलब डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जी जनाब, जुवेरिया ने आपको बता दिया कि मीट के क्या फ़वाद हैं, किस तरह से आपको कंज्यूम करना चाहिए इसको, और डेफिनेटली ज़्यादा चीज़ों का वो कह लें ना, इत्तेदाल हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मीट लवर्स डेफिनेटली हम सब लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एट द एंड जब आप उसको मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली जनरेट होती है, और एज फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन क्योंकि वो आंसर्स के हिसाब से बताते हैं, और हमारे घरों में जब ऐसे आए कोई मामला तो हम फिर देखते नहीं आगे पीछे।